स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से सीएम हेल्पलाइन पर एक अनोखी शिकायत सामने आई है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। कांग्रेस नेता ब्रज मोहन गर्ग ने शिकायत में कहा कि वे 1972 से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। इसका वीडियो भी कांग्रेस नेता ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता गर्ग ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर सभी की समस्याओं का समाधान होता है, इसीलिए यहां मैंने भी अपनी शिकायत दर्ज की है, मेरी भी शिकायत का समाधान किया जाए। गर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में टिकट देकर एक मौका दे ताकि वह क्षेत्र की जनता की बेहतर ढंग से सेवा कर सके। सीएम हेल्पलाइन पर की गई इस अनोखी शिकायत को कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया फेसबुक पर भी शेयर किया है, जिसे लेकर जिले भर में जमकर चर्चाएं चल रही हैं। सीएम हेल्पलाइन पर टिकट की मांग उठना अब चर्चा में जरूर आ गया है। कांग्रेस नेता ब्रजमोहन गर्ग का कहना है कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है क्योंकि वहां हर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान होता है, इसीलिए उनकी भी समस्या का समाधान किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता ब्रजमोहन गर्ग की इस शिकायत के बाद खूब चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वहीं ब्रजमोहन गर्ग ने इस वीडियो के जरिए अपनी शिकायत के समाधान की अपील भी की है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार निर्माण कार्यों समेत अन्य कामों में हुए करीब 170 करोड़ रुपए के घोटाले में संदेह के घेरे में आ गए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने कुलपति प्रोफेसर कुमार की भूमिका को संदेहास्पद मानते हुए राजभवन को पत्र लिखा है। इसमें विभाग ने अपने स्तर पर जांच कमेटी बनाने की मांग भी की है। कुलपति प्रोफेसर कुमार के पहले कार्यकाल में साल 1920 में आरजीपीबी में विभिन्न निर्माण कार्य हुए थे। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टीज को कोर्ट में केस विचाराधीन होने के बीच ज्यादा भुगतान कर दिया गया था। इस दौरान रजिस्ट्रार का प्रभार प्रोफेसर एस कुशवाहा के पास था और निर्माण कार्यों समेत खरीदी में फर्जीवाड़ी के आरोप लगाते हुए शिकायत राज्य शासन तक पहुंची थी। शासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन उज्जैन के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर एस के जैन की अध्यक्षता में किया था। प्रोफेसर जैन ने शिकायतों को सही पाते हुए जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इस पर शासन ने आरजीपीवी के कुलपति प्रोफेसर कुमार को तत्कालीन रजिस्ट्रार कुशवाहा के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा था। वहीं आरजीपीवी के तत्कालीन रजिस्ट्रार एसएस कुशवाहा को तो इस मामले की जांच कर रही कमेटी दोषी भी पा चुकी है। कुलपति प्रोफेसर कुमार ने प्रोफेसर कुशवाहा पर कार्यवाही के लिए अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस पर सरकार ने नाराजगी जताते हुए फिर से पत्र लिखकर कुशवाहा के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहा है, लेकिन सरकार के बार बार पत्र लिखने के बावजूद जब कुलपति ने कोई कार्यवाही नहीं की तो अब विभाग ने राजभवन को पत्र लिखा है। इस पत्र में विभाग ने लिखा है कि कुलपति की भूमिका भी इस मामले में संदेह के घेरे में है, इस वजह से विभाग को अपने स्तर पर हाई लेवल कमेटी बनाकर कार्यवाही की अनुमति दी जाए। राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल की अनुमति के बाद इस मामले में कार्यवाही हो सकेगी। और प्रोफेसर कुमार की कार्य प्रणाली को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी बेहद नाराज हैं। मंत्री ने पत्र लिखकर कुशवाहा से सभी प्रभार वापस लेने के निर्देश कुलपति को दिए थे। हालांकि कुलपति ने इन निर्देशों की अनदेखी करते हुए प्रोफेसर कुशवाहा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का प्रभार दे दिया है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को शराब बिक्री पर रोक लगाने की नसीहत दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश को यदि उत्तर प्रदेश का अनुसरण करना है तो गांव-गांव बिक रही शराब को रोकें। बुलडोजर के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा वोट भी मिलेंगे। अजय विश्नोई ने कहा, मैं यूपी के चुनाव में गया था, वहां देखा कि रात में 10 बजे
दुकान बंद होने का नियम है तो उसका पालन भी देखा गया है। वहीं किसी गांव में शराब नहीं बिकती है और इस तरह का प्रयास एमपी में हो जाए तो बड़ा असर दिखेगा। बुलडोजर की तुलना में ये जनता का ज्यादा पसंदीदा विषय है। विधायक ने तर्क देते हुए कहा कि घर से 10 किलोमीटर दूर से शराब लाना होगा तो कोई भी सोचेगा, पर जब गाँव में शराब बिकेगी तो वह अधिक पीकर उत्पाद करेंगे। यदि गांव में शराब दुकानों को शिवराज जी बंद कर देंगे तो 2023 में एमपी में बीजेपी की सरकार बनने से कोई भी दल नहीं रोक पाएगा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के बाद शराबबंदी का समर्थन करने वाले अजय विश्नोई बीजेपी के दूसरे बड़े नेता बन गए हैं। विश्नोई इससे पहले भी कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। वह सीएम को पत्र भी लिखते रहते हैं। देखिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और पंडित प्रदीप मिश्रा अब हरिद्वार स्थित योग केंद्र गए थे। यहां योग गुरु रामदेव बाबा ने पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रभावित होकर उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि टीआरपी की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च हैं पंडित जी। मुझे प्रमोद जी ने बताया कि सबसे अधिक श्रद्धालु और दर्शक भागवत भूषण पंडित मिश्रा को देखते और सुनते हैं। यह ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी बात हर वर्ग के आयु वाले अमल करते हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी विश्व में किया गया था और योग गुरु रामदेव बाबा ने इस मौके पर दर्शकों को योग के लाभ भी बताए। और बाबा रामदेव के योग केंद्र पर एक कार्यक्रम था, यहाँ भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा को आमंत्रित किया गया था। देखिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश के मौसम में जल्द ही कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए पश्चिमी विभोग के चलते कहीं बादल छाएंगे तो कहीं धूल भरी आंधी के आसार भी नजर आ सकते हैं। वहीं कहीं बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज 19 अप्रैल को 10 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं 23 अप्रैल के बाद फिर मौसम के बदलने के संकेत एमपी में हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आज 19 अप्रैल 2022 को छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा समेत तमाम जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नौगांव, दमोह और खजुराहो में दर्ज किया गया। नए पश्चिमी विभोग की संभावनाओं के बीच 21 अप्रैल में मौसम में आंशिक बदलाव आने की संभावना भी जताई जा रही है। 23 अप्रैल के बाद फिर मौसम बदलने के आसार हैं। दक्षिण हरियाणा पर चक्रवाती घेरा बनने से इंदौर में भी बादल छाए रहेंगे और 20-21 को धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान में 24 अप्रैल तक वृद्धि के आसार नहीं है और एक हफ्ते तक ऐसा ही मौसम रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।